गुड इवनिंग दोस्तों। तो चलिए आज हम टाइम एंड वर्क का एक नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं। ये पार्ट देखने से पहले आप मेरे पहले वाले सारे यूट्यूब वीडियोज को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क के जितने भी पार्ट हैं वो एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये SSC 2016 में भी पूछा गया है और कई बार सेम टाइप का रिपीट होता है। तो हम देख लेते हैं, ए कैन फिनिश 3/5 of a work in 6 days while B finished 3/4 of that work in 15 days, in how many days they can finish that work? तो हम देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है कि A किसी काम को 3/5 भाग को 6 दिन में कंप्लीट करता है, B 3/4 भाग को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? A 3/5 भाग को 3/5 भाग को 6 दिन में कंप्लीट करता है और बी 3/4 भाग को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोस्तों सबसे जरूरी बात है कि इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करें। बच्चे हैं ना, बहुत सारे असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये तो बहुत टिपिकल पार्ट है। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत इजी पार्ट है। जो ये पार्ट दे रखा है इस पार्ट को हमें 1 बना लेना है। जब काम को 1 बना लेना है तो अगर 3/5 दे रखा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/3 से, यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/3 से। अगर ये 3/4 दे रखा है तो 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से 3, 4 से 4, ये 1 बन गया। ये 3 से 3, 5 से 5, ये भी एक 1 बन गया। यानी कि दोनों एक एक काम के भाग बन गए। अब एक भाग को ये कितने दिन में कंप्लीट करता है? अभी यहां पर देख लीजिए 3/2, एक भाग को ये 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है और यहां पर 5 ये 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है। दोनों का हम रेशियो ले लेंगे, एलसीएम लिया 20। अब ये किसी काम को 1 दिन में 2 यूनिट काम कंप्लीट करता है, ये 1 यूनिट काम कंप्लीट करता है और दोनों मिलकर के ए और बी दोनों मिलकर के 1 दिन में 3 यूनिट काम कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट वर्क हमारे पास कितना है 20 डेज। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 20 यूनिट को 20 यूनिट जो मेरे पास काम है 1 दिन में ये 3 यूनिट काम कंप्लीट कर पाते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को 6/2/3 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। 6/2/3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी कोई भी डिवाइड में अगर दिया हुआ होता है तो उसको काम के भाग को 1 बना लीजिए। 1 बनाने के बाद में उसी के अपोजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट के 1 बना लीजिए, फिर उसका एलसीएम ले लीजिए और जो एलसीएम लेने के बाद में उसका पर यूनिट पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद में उसको डिवाइड कर दीजिए, कंप्लीट वर्क आ जाएगा। दैट्स इट, बहुत इजी पार्ट है। तो दोस्तों चलिए अब हमें कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट मीन्स कि कई इस तरीके के आते हैं कि इतने आदमी, इतने दिन, इतने हवर्स, इतने बच्चे, इतने वोमेन, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हम सबसे पहले उन्हीं को चीज़ों को देख लेते हैं, उनमें क्या होता है कि इस तरीके से भी आ जाता है। सपोज M1 आदमी D1 डेज में किसी एक पार्ट को कंप्लीट करते हैं और M2 आदमी D2 डेज में किसी दूसरे पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो इसको इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि एग्जांपल जिस तरीके से 15 आदमी 40 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, तो बताइए 30 आदमी
कितने दिन में दूसरे काम को कंप्लीट करेंगे, तो बहुत ही आसान है, इसको हम देखेंगे 15, 2, 20 डेज, यानी कि इस काम को 20 दिन में वो कंप्लीट कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि M1 आदमी D1 डेज में किसी काम के एक भाग को कंप्लीट करते हैं, तो M2 आदमी D2 डेज में दूसरे काम के भाग को कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल में मैंने बताया कि 15 आदमी 40 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं और दूसरा 30 आदमी D2 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं, तो बताइए वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो उस काम को हमने कैलकुलेट करने के बाद में 20 डेज में कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक इस तरीके से हम हमेशा देखते हैं कि नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। नंबर ऑफ मैन मैं यहां पर लिख देता हूं, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि M इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेज, ये हमेशा होता है। नंबर ऑफ मेंस एंड नंबर ऑफ डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के हमेशा विद नंबर ऑफ मेंस नंबर ऑफ डेज एक दूसरे के विद क्रमानुपाती होते हैं। तो हम इस चीज को भी देख लेते हैं। आप दूसरा, कई बार हमें इस तरीके से दिया होता है कि नंबर ऑफ मेन इतने घंटे में इतने दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, तो हम देख लेते हैं। सपोज हमें दे दिया M1 आदमी H1 वर्ष में D1 डेज में, दूसरा M2 आदमी H2 वर्ष में D2 डेज में किसी काम को कंप्लीट करता है, काम के किसी भाग को कंप्लीट करता है। तो हम इसी तरीके से देख लेते हैं कि कोई एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल सपोज कोई 30 आदमी 8 घंटे पर डे 25 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं और 25 आदमी 6 घंटे पर डे कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे 6 × 6 = 36 और 5 25 से 25 चला गया, 8 × 5 = 40, तो वो 40 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज और ध्यान में रखने योग्य है कि नंबर ऑफ मेंस इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ डेज लेस होंगे, यानी कि एफिशिएंसी अगर डेज बढ़ेगा एफिशिएंसी घटेगी, और एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी तो डेज कम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर मेंस बढ़ेंगे तो डेज कम होगा और अगर डेज बढ़ेंगे तो मेंस कम होंगे, तो ये चीज हमें ध्यान में रखने वाली बात है। अब थर्ड इस तरीके से भी दे देते हैं, कई बार कैसे दे देते हैं, M1 आदमी D1 डेज में W1 काम को कंप्लीट करते हैं, तो M2 आदमी D2 डेज में W2 वर्क को कंप्लीट करते हैं। किस तरीके से, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल में दे दिया उसने 40 आदमी 25 दिन में किसी काम को 1/3 पार्ट को कंप्लीट करते हैं, तो बताइए 50 आदमी कितने दिन में
रेस्ट वर्क शेष कार्य को कंप्लीट करेंगे। अब जहां पर रेस्ट वर्क जहां आ जाता है, रेस्ट वर्क आ जाता है, द वर्क आ जाता है, तो ये समझ लीजिए कि ये और ये दोनों पार्ट हैं, उनमें से अगर ये कैलकुलेट हो चुका तो बचा हुआ पार्ट इसको कंप्लीट करेगा। तो 1/3 पार्ट को वो कंप्लीट कर लेते हैं तो बचे हुए काम कितना बचा हमारे पास, 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 25 और 25 से 25, तो हमारा आंसर क्या आया, डेज कितना होगा, 40 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, कई बार इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। M1 आदमी H1 हवर्स में D1 डेज के अंदर W1 काम को फिनिश करते हैं, किसी काम के एक भाग को कंप्लीट करते हैं। M2 आदमी H2 वर्ष में D2 डेज में W2 वर्क कंप्लीट करते हैं, दूसरे भाग को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो इसके अंदर अगर वर्ष दे दिया तो इस तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमेशा ध्यान में रखने योग्य बात है। तो इसी के साथ में अब हम कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या होता है, क्यों होता है। चलिए हम अपने जो फॉर्मूले लिखे थे उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि 12 मेन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 8 डेज, इन हाउ मेनी डेज 16 मेन कैन कंप्लीट दैट वर्क, इसमें लिखा है सेम वर्क। तो हमने लिखा था M1 D1 अपॉन W1 एंड M2 D2 अपॉन W2। इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि M1 आदमी 12 आदमी 8 दिन में 1/3 भाग को कंप्लीट कर लेते हैं, तो बताइए 16 आदमी कितने दिन में बचे सेम काम को, इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट दैट वर्क। दैट का मतलब है वह वर्क, जो काम 12 आदमी 8 दिन में 1/3 भाग कर रहे हैं, तो 16 आदमी कितने दिन में उसी काम को, सेम काम को कितने दिन में कर लेते हैं। दैट वर्क का मतलब हुआ सेम काम 1/3, तो इससे ये कट जाएगा 8 × 16 = 6, तो ये आ जाएगा 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, 6 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब दूसरी चीज, ये दैट वर्क है, कई बार ये पूछ लेता है कंप्लीट द वर्क, कई बार यहां आ जाता है कंप्लीट द वर्क, यहां इस तरीके से भी आता है कंप्लीट द वर्क। अब ये बोल रहा है कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क का मतलब कि बचे हुए पार्ट के कितने दिन में वो काम कर लेता है। कंप्लीट द वर्क मतलब जो बचा हुआ वो एक काम बचा हुआ कोई भी, तो हम इसको इस तरीके से भी करेंगे। अब इसको हम करेंगे, इसको हम इस तरीके से करेंगे कि 12 आदमी 8 दिन में 1/3 भाग को कंप्लीट करते हैं, तो बताइए 16 आदमी कितने दिन में बचे हुए काम नहीं, कंप्लीट द वर्क पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे। द वर्क का मतलब हुआ पूरा काम,
तो पूरा काम कितना है, एक मानेंगे हम, एक कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क। तो हम इसको इस तरीके से भी कर देंगे। कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, हम कैसे करेंगे, 8 × 8, 8 × 2 = 16, 2 × 6, ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे 3 × 6/d = 18 दिन में। तो कंप्लीट वर्क का मतलब हुआ कि हम इसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब एक और भी पूछा जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कंप्लीट द रेस्ट वर्क। यहां लिखा आ गया कंप्लीट द रेस्ट वर्क। तो ये रेस्ट वर्क का मतलब हुआ कि 1/3 भाग काम तो उसने कर दिया, अब बचा हुआ भाग है उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा। मींस 12 आदमी 8 दिन में 1/3 भाग को कंप्लीट करते हैं, तो 16 आदमी कितने दिन में बचे हुए शेष काम को, शेष काम मींस 1/3 भाग इसने कर लिया तो बचा हुआ कितना है, 2/3, 2/3 भाग को कंप्लीट करेंगे। तो 3 से 3 कट गया, ये 8 होगा, 8 से 8 कट गया, तो कितना हुआ, 12 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, शेष वर्क को वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज एंड 12 मेन कैन कंप्लीट वर्क इन 9 डेज, इन हाउ मेनी डेज 8 मेन एंड 8 वुमेन कंप्लीट दैट वर्क। 18 महिलाएं और 12 पुरुष किसी काम को कंप्लीट करते हैं, 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो बताइए 8 आदमी और 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो वही जो मैंने बताया था, M1 D1, तो 18 महिलाएं, 18 वोमेन इंटू 12 डेज इक्वल टू 12 मेन इंटू 9 डेज एंड 8 आदमी और 8 महिलाएं, 8 मेन 8 वोमेन कितने दिन में इंटू डेज उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, एक कन्वर्जन मेथड से, दूसरा एफिशिएंसी से। तो हम एफिशिएंसी से देखेंगे क्योंकि एफिशिएंसी से काफी आसान रहेगा। तो हम इसको देखेंगे कि 12 से 12 कैंसिल, 9 2, तो ये रेशियो आएगा 1 मैन 2 वुमेन। तो एफिशिएंसी मैंने बताया था कि किस तरीके से होता है, अगर E इक्वल टू ए अपॉन बी होता है तो D इक्वल टू बी अपॉन ए होता है। तो हम देख लेंगे M अपॉन W है तो 2/1 इसका रेशियो आता है। अब इसके बाद में हमारे पास में इसका मेन और वोमेन दोनों का रेशियो आ गया, तो हम इसके इसके अंदर सबसे इजी पार्ट को ले लेंगे। सपोज हमने इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसी भी पार्ट को इसके साथ में ले लेंगे। तो इसको पार्ट को लेंगे तो हमने ले लिया 12 मेन इंटू 9 डेज। इसको सोल्व करेंगे कि 8 महिलाएं 8 मेन कितना काम करते हैं, 2,
प्लस वोमेन एक इंटू डेज इक्वल टू वही 12 इंटू टू मेन इंटू 9 इंटू इंटू 9 डेज। तो अब हम देख लेते हैं इसी चीज को, 16 आदमी 8 महिलाएं, 24 आदमी 9 3 तो ये हो जाएगा 24 प्लस 8 डेज 24 इंटू 9 तो 24 से 24 गया, 24 से 24 से 24 चला गया तो D इक्वल टू कितना हुआ 9 डेज। ये आंसर 9 दिन में उस काम को वो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर, इसने आदमी दे रखे हैं, महिलाएं दे रखी हैं और दिन भी दे रखा है। तो इसने बोल रखा है 6 men 8 women can do a work in 10 days while 26 men and 48 women can do the same work in 2 days then 15 men and 20 women can do the work in how many days। 6 आदमी 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, उसी सेम काम को 26 आदमी 48 महिलाएं 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो बताइए 15 आदमी 20 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने दे रखा है। क्या दे रखा है इन्होंने, आदमी और इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है कि 6 आदमी 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करते हैं और उसी सेम काम को 26 आदमी 48 महिलाएं 2 दिन में करती हैं, तो बताइए उसी सेम काम को 15 आदमी 20 महिलाएं कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं 2 5 कैलकुलेट कर लेते हैं, 30 मेन 40 वोमेन इक्वल टू 26 मेन प्लस 48 वोमेन। हमने किया तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तीस मेन 26 मेन इधर आया तो कितना बचा 4 मेन, ये इधर गया तो कितना बचा 8 वोमेन। अब एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे मेन और वोमेन की, तो 8 और 4 2 1 यही तो एफिशिएंसी आएगा इसका, 2 और 1 इसका एफिशिएंसी है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे किसी इजी पार्ट को हम यहां ले आएंगे, इजी से इजी पार्ट को अगर हम यहां लेके आ जाएंगे, इस इजी पार्ट को अगर इधर हम उठा के ले आए तो हम इसी चीज को देखेंगे, कैसे देखेंगे देख लेते हैं, इक्वल टू
सिक्स मेन इस पार्ट को ले लिया प्लस 8 वोमेन, 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं ये, ठीक है जी, 10 दिन में इस काम को वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 15 आदमी प्लस 20 महिलाएं इनटू डेज इक्वल टू 60 मेन प्लस 80 वोमेन। अब इसको देखेंगे तो हम क्या होगा, ये 15 आदमी है, ये 60 आदमी है, तो इसमें से 60 में से 50 चले गए तो कितने बच गए, 45 मेन। और इधर इसको अगर इधर इसको लेके जाऊंगा 20 वोमेन और 80, तो कितना बच गया, 60 वोमेन ये बच गया इनटू डी। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे मेन अपॉन वोमेन, तो 60/45 4/3 4/3 4/3 अगर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, 20 प्लस 30 ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये इधर आ जाएगा 15 × 2 + 20 × 1 डेज इक्वल टू 6 × 2 + 8 × 1 10। तो अब देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 30 + 20 और ये हो जाएगा 12 + 8 × 10। तो ये इधर से इधर आएगा, तो 30 में से 12 गए, ये 18 बचे और ये इधर जाएगा, तो ये हो गया कितना, 12 × डेज। तो ये कितना हो जाएगा, 30 + 20 = 50 इक्वल इनटू डी 20 × 10 50 डी इक्वल टू 200
डी इक्वल टू 200/50 चार दिन। सॉरी कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के लिए, लेकिन आपका ये करेक्ट है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पहले मैंने एफिशिएंसी को नहीं लिया था। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। थ्री मैन एंड फोर वुमेन कैन डू ए वर्क इन 8 days, व्हाइल फोर मैन एंड फोर वुमेन कैन डू ए वर्क इन 6 days, देन इन हाउ मेनी डेज टू मैन एंड फोर वुमेन फिनिश दैट वर्क। तीन आदमी प्लस चार महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, और दूसरे काम को चार आदमी चार महिलाएं 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो बताइए, दो आदमी प्लस चार महिलाएं कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो हम फटाफट देख लेते हैं। तीन दूनी छ, चार दूनी आठ, ठीक है, ये हो गया 12 men प्लस 16 women, इधर हो गया 12 men प्लस 12 women। तो ये देखा, तो ये हो गया 0 men इक्वल टू 4 women। मैन और वोमेन की एफिशिएंसी देखा था 4/0। अब वोमेन की एफिशिएंसी क्या है? 0 है। अब इसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट कोई भी जीएस पार्ट, सपोज ये ले लिया मैंने, तीन आदमी प्लस चार महिलाएं इनटू 8। तो हम देखते हैं इसके अंदर इसकी एफिशिएंसी को डालेंगे, तो ये हो जाएगा 2×4 प्लस, अगर 0 लेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, इंटू डी इक्वल टू 3×12 प्लस 0×8, ये हो जाएगा 4×2×8, ये कितना हो जाएगा, 4×8 डी इक्वल टू, इसको लिखा तो ये 8×3=24 हो गया, डी इक्वल टू 3 दिन के अंदर ये उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, 4×8=0, 8×3=24। उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू। तो ये यहां पर इसके साथ में लेंगे हम 8 day, और ये हो जाएगा 8×3=24, 24×4 ये हो जाएगा 96। अब डेज को हम कैलकुलेट करेंगे, 96/8 12 दिन के अंदर हम इस काम को कंप्लीट कर लेंगे।